माया गुण और गो ये तीन वस्तुओं से तुम परे हो। ये तीन के अंडर में नहीं हो, तीन से बाहर हो। माया भगवान की ही एक शक्ति है। भगवान की शक्तियां तो अनंत हैं, किंतु दो शक्ति सबसे प्रमुख है, एक माया एक योग माया। योग माया भगवान की पर्सनल पावर है, अंतरंग शक्ति प्राइवेट, और माया बहिरंग शक्ति। भगवान योग माया के आवरण में रहते हैं और जीव माया के आवरण में रहता है। इतना बड़ा अंतर है। भगवान माया से परे है, योग माया के अंडर में है, और जीव माया के अंडर में है। योग माया से कोई संबंध नहीं जीव का। योग माया से जिसका संबंध होता है वो सदा आनंदमय ज्ञानमय सत्तामय रहता है, सच्चिदानंद रहता है। योग माने युक्त, अपने में युक्त रहे और माया का कार्य करे। देखो ये संसार बनाना, पंच महाभूत का जगत और मायाबद्ध जीव, इनको प्रकट करना, इसी का नाम संसार। जड़ जगत, चेतन जगत, ये पृथ्वी जल तेज वायु ये सब जड़ पदार्थ, और मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग ये सब जीव। तो जहां जीव और जड़ कंबाइंड मिक्सचर रहे उसी का नाम जगत, और तीसरा उसी में और रहता है उसका नाम भगवान। ये इस जगत में व्याप्त रहता है, जीव में भी व्याप्त और जड़ में भी व्याप्त, यानी पृथ्वी जल तेज इसमें भी व्याप्त और जीव में भी व्याप्त, इसलिए संपूर्ण जगत में व्याप्त। तो संसार की परिभाषा क्या हुई? जीव प्लस मायिक सामान जड़ प्लस भगवान, ये तीन का मिक्सचर, इसका नाम संसार। तो ये संसार जीव और माया दोनों गंदे। अरे माया तो गंदी है, ये बहिरंगा शक्ति है और जीव उसके अंडर में है, इसलिए वो भी गंदा। इतने गंदे संसार को भगवान ने प्रकट किया, प्लस उसमें व्याप्त हुआ, प्लस प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बैठकर उसके अनंत जन्मों के गंदे कर्मों का हिसाब रखा, प्लस उसका फल दिया, प्लस उसके वर्तमान काल के प्रेजेंट टेंस के जो कर्म है गंदे उसको नोट किया। इतना डर्टी वर्क करते हुए भी भगवान सदा आनंदमय रहते हैं, कभी टेंशन नहीं हुआ। हम लोगों की छोटी सी फैमिली है, दो चार बच्चे, एक बीबी, एक पति, एक माँ बाप, सास ससुर, बस 10-20 है, इसी में टेंशन होता रहता है। क्यों?
हम माया के अंडर में है इसलिए होता है, और भगवान योग माया से युक्त है इसलिए उनके ऊपर ये सब गंदी वस्तुओं का कोई असर नहीं होता, उससे परे रहते हैं, अछूते रहते हैं। जैसे कमल के पत्ते पर पानी रख दो तो लुढ़कता रहता है पानी, उसमें आसक्त नहीं होता। ऐसे ही भगवान और महापुरुष संसार में रहते हुए भी, डर्टी वर्क करते हुए भी उससे अलग रहते हैं। जैसे भगवान काम रहित है, हाँ, और 16,108 स्त्रियों में एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे हुए, लेकिन काम रहित है। आप लगाएंगे खोपड़ी? लगाइए, इम्पॉसिबल। अरे बच्चा कैसे होगा काम रहित से? अब वो भी 10-20-50 नहीं, 16,108 गुणे 10 लाखों बच्चे। हजारों मर्डर कर डाला अर्जुन ने, हनुमान जी ने, लेकिन क्रोध रहित। उन्होंने कहीं देखा ही नहीं सीताराम के सिवा, राधा कृष्ण के सिवा, और मर्डर हो रहा है। हाँ, मर्डर कर रहे हैं। इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल? क्योंकि हम लोग नहीं कर सकते ऐसा। हम जिस काम को नहीं कर सकते तो समझते हैं कोई नहीं कर सकता। अरे हम माया के अंडर में हैं इसलिए हम नहीं कर सकते। वो योग माया का अधीश है, स्वामी है, योग माया से युक्त है। इस वो योग माया का मतलब तीन होता है, समझ लो, कर्तुम, अकर्तुम, अन्यथा कर्तुम, समर्थ। जो चाहे करे, ध्यान दो, जो चाहे करे, जो चाहे, पाप हो, पुण्य हो, अच्छा हो, बुरा हो, सृष्टि करना हो, प्रलय करना हो, जो चाहे करे, बस सोचा और हुआ। और जो चाहे ना करे, देखो आंख से हम देखते हैं, हाँ, और भगवान आंख से देख भी लेता है, सुन भी लेता है, सूंघ भी लेता है, रस भी ले लेता है, स्पर्श भी कर लेता है, सोच भी लेता है, जान भी लेता है एक आंख से। और आंख भी निकाल दो, बिना आंख के भी देख लेता है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु जिह्वा भक्ता बड़ जोगी, तानु बिनु परस नयन बिनु देखा। ये योग माया का कार्य, जो चाहे करे, जो चाहे ना करे, जो चाहे उल्टा करे, उल्टा। नाक से सूंघने का काम है, वो नाक से खाने का काम करता, चलो उल्टा करे। संसार में पहले गुस्सा आता है, फिर मर्डर होता है, वो मर्डर करे और गुस्सा ना आवे, उल्टा करे। उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मय देखहिं जगत कासन करहिं विरोध। जो भगवान के भक्त होते हैं वो सब जगह भगवान को देखते हैं, भला विरोध किससे करेंगे वो? जब सब जगह उनका भगवान दिखाई पड़ रहा है तो विरोध, द्वेष, दुश्मनी किससे करेंगे, कैसे करेंगे? लेकिन मर्डर करेंगे, हाँ, हजारों लाखों मर्डर कर डाला अर्जुन ने, हनुमान ने। जी ये कैसे हो सकता है? फिर वही बात, कैसे हो सकता है? तुम्हारे लिए जो असंभव है वहां पर नेचुरल है, तुम नहीं कर सकते हो,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई पर्सनैलिटी कर नहीं सकती। तुम मायाबद्ध हो, इसलिए तुम्हारा आइडिया अपना पर्सनल है। जो माया से परे हो गए उनका आइडिया अलग है, उनके पास बड़ी बड़ी पावर है, उस पावर से काम करते हैं वो लोग। तो इसलिए भगवान योग माया से, महापुरुष योग माया से युक्त हैं और हम लोग माया से युक्त, बहिरंगा शक्ति से युक्त हैं। तो भगवान उस माया से परे हैं, यो समझो। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां सूर्य ताहा नाही मायार अधिकार। श्री कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है, तो प्रकाश के सामने अंधकार खड़ा नहीं हो सकता, लड़ेगा क्या, वो जा ही नहीं सकता। तो भगवान के सामने माया खड़ी नहीं हो सकती, बिलज्जमानया। इसलिए भगवान माया से परे, महापुरुष भी माया से परे। फिर इन दोनों में अंतर क्या है? भगवान मायाधीश है और महापुरुष मायातीत है। ध्यान दो, एक अक्षर का फर्क है। भगवान मायाधीश है, माया का अध्यक्ष है, मालिक है, स्वामी है, और महापुरुष माया से परे है। तो जो माया का स्वामी है वो तो परे हो गई, जब महापुरुष ही माया से परे है तो भगवान तो माया से परे है ही है। और तीसरा है जीव, जिसने भगवत प्राप्ति नहीं किया वो है मायाधीन। हम लोग माया के अंडर में, भगवान को पाले मायातीत और भगवान मायाधीश। तो तीन पर्सनैलिटी, मायाधीन, मायातीत और मायाधीश। तो भगवान माया से परे। आप नंबर दो, गुण से परे। ये गुण क्या बलाए हैं? भगवान तो गुणों की खान है। आप कहते हैं गुण से परे, गुण से परे तो न भगवान है न हम लोग हैं। हम लोगों में भी तीन गुण हैं, सात्विक, राजस, तामस। अच्छे विचार, सात्विक, अच्छे बुरे मिक्सचर, राजस, और बुरे विचार, तामस। तीन प्रकार का खाना पीना, तीन प्रकार की श्रद्धा, तीन प्रकार की भक्ति, तीन प्रकार का ज्ञान, तीन प्रकार का कर्म, सब तीन तीन प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस, तामस। लेकिन ये तीनों माया के अंतर्गत है, ध्यान रहे। अच्छा जिसे हम कह रहे हैं ना, अच्छा कर्म, सात्विक कर्म, ये भी माया के अंदर में। अच्छा कर्म करना भी डेंजरस, और बुरा कर्म करना तो डेंजरस है ही है, और अच्छा बुरा मिक्सचर वो भी डेंजरस, खतरनाक है। ये तीनों कर्म जीव को बांधते हैं, इनका दंड भोगना पड़ता है जीव को। अच्छा कर्म करोगे स्वर्ग जाओगे, पुण्य न पुण्यलोकम नयति, पापे न पापम, बुरा कर्म करोगे नरक जाओगे, अच्छा बुरा मिक्सचर करोगे मृत्युलोक में आओगे। बस घूमा करोगे ऐसे, कभी स्वर्ग कभी मृत्युलोक कभी नरक, कभी स्वर्ग कभी मृत्युलोक कभी नरक। मनुष्य शरीर बड़ी मुश्किल में कभी कभी मिलता है, और बाकी शरीर तो खूब मिलते हैं। हाँ, बाकी शरीर का क्या लक्ष्य है? पेट पालना। एक बंदर, एक कुत्ता, एक गधा, उसका एक लक्ष्य है 24 घंटे, मेरा पेट कैसे भरे। ये भी खाए वो भी खाए, कोई घास चर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी जीव को खा रहा है,
उनको ज्ञान शक्ति नहीं है कोई भगवान की भक्ति करें या गुरु की शरण में जाएं, कुछ नहीं, विचारों का बस पेट ही जीवन है। 24 घंटे पेट को में कुछ न कुछ डालते रहते हैं ये लोग, इतना निंदनीय दुखमय जीवन है उनका। वो खूब मिलता है हम लोगों को, बहुत मिल चुका है। मानव देह तो कभी कभी मिलता है, इसको तो स्वर्ग के देवता चाहते हैं, है बहुत गंदा है। लेकिन ये जो ज्ञान शक्ति है हम लोगों में, देखो हम कुछ समझा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, हम एक गधे को कुत्ते को बैठा के समझावे वो नहीं समझेगा, इतना बड़ा अंतर है ना। तो देवता लोगों के यहां ज्ञान तो है लेकिन कर्म नहीं कर सकते हो, उनको कर्म करने का अधिकार नहीं है, खाली फल भोगो बस, कमाना नहीं है, जो कमाया है उसको भोगो, लो फल लो बस। कमाना मृत्युलोक में है और वह भी मनुष्य शरीर में और शरीरों में नहीं। ये तो कबहू करी करुणा नर देही, कभी दया करके भगवान मानव देह देते हैं। तो ये तीन गुण तो बंधन कारक है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। हाँ तमोगुण से रजोगुण अच्छा, रजोगुण से सत्वगुण अच्छा, लेकिन है तीनों बुरे। आपके पास चार रोटी है, हाँ तो चार रोटी आपने दे दिया एक भिखारी को, मांगना भूखा था, आपने सोचा हम शाम को खा लेंगे कल खा लेंगे, आप भूखे रह गए, ये सात्विक कर्म। नंबर दो, एक भिखारी आया, हमारे पास चार रोटी है, दो भैया तुम खा लो दो हम खा ले फिर बाद में देखा जाएगा, ये राजस कर्म है, ये मानवता है, इसको मानवता कहते हैं। और चार रोटी है हम सब खा ले और भिखारी से कहें गेट आउट, ये राक्षस है, तामस कर्म है। और हमको भी भूख नहीं है और भिखारी को भी नहीं दिया, चार रोटी रखी है, ऐसे भी लोग हैं तो तेके न जानी महे, वो राक्षसों से भी नीचे है। हाँ तो सात्विक राजस तामस तीन गुण के अधीन हम लोग हैं और भगवान इन गुणों से परे हैं लेकिन दिव्य गुणों से युक्त है। दिव्य गुण, महापुरुषों भगवान के पास दिव्य गुण होते हैं, कृपा करना। अब कृपा जीव तो कर नहीं सकता, क्यों? कोई भिखारी आया हम उसको खाना देते हैं, ये कृपा नहीं है? ना ना, कृपा का मतलब अलौकिक वस्तु देना, दिव्य वस्तु देना। अरे तुमने खाना दे दिया, कौन बड़ा कमाल किया, छह घंटे बाद फिर आएगा, बाबा भूख लगी है, अरे दिया तो खाना, अरे तो बाबा वो छह घंटे हो गए वो तो खत्म हो गया। ये हमारा उपकार, मेटीरियल उपकार कहलाता है, क्षणिक, थोड़ी देर का सुख देता है, जो अनंत काल को सुख दे वो उपकार महापुरुष करता है। और नंबर दो भगवान, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, उसका नेचुरल नेचर है महापुरुष का। क्यों? उसका अपना कोई काम ही नहीं है, वो तो पा चुका, भगवत प्राप्ति कर लिया, आनंद पा चुका सदा के लिए। अब वो क्या करे बेचारा, बैठे बैठे बोर होगा ना, कोई काम ना हो। देखो लोग रिटायर होते हैं तो जब तक सर्विस है दिन रात लगे रहते हैं, 10 घंटे 8 घंटे 12 घंटे। अब रिटायर हो गए तो अब परेशान है, क्या करें, अब बैठे बैठे क्या करें, कोई नावल पढ़ता है, कोई पिक्चर देखता है, कोई
लग जाता है, कोई भगवत विषय में कोई राम राम जपता है, कुछ न कुछ बिचारे लगे रहते हैं, क्या करें, हो टाइम कैसे पास हो, ऐसे बैठे रहे। अरे चुपचाप तो नहीं रह सकता कोई, मन को वर्क करेगा हर एक का, अब उसको गलत जगह लगाओ सही जगह लगाओ ये बात अलग है। तो जब महापुरुष को कुछ पाना नहीं है तो बेचारा जीव के लिए ही कर्म करेगा, परोपकार के लिए ही करेगा। ऐसे ही भगवान को भी कोई काम नहीं, वो जो कुछ करेंगे जीव कल्याण के लिए करेंगे, केवल जीव कल्याण के लिए उनका प्रत्येक कर्म। तो भगवान तो अधिक करते नहीं, हम लोगों के साथ तो बस महापुरुष करता है, भगवान तो बने बने के साथी हैं। अंतःकरण शुद्ध हो गया, हाँ बिल्कुल, कमरा खाली कोई ना रहे उसमें, माँ बाप बेटा स्त्री पति ऐसा ड्राइंग रूम हो, हाँ हाँ कर दिए, किसने किया है, हमारे गुरुजी ने, अच्छा तो हम आ रहे हैं, एक भी रहेगा तो हम चल देंगे, याद रखो। हाँ नहीं नहीं साहब कोई नहीं रहेगा, आइए बने बने के साथी है भगवान। बाप लड़की को पैदा करता है, माँ बाप फिर उसके गंदे पाखाना पेशाब साफ करके उसको पढ़ा के लिखा के कलावती बना के योग्य 18 साल की तैयार करता है, हा सुंदर लड़की तैयार हो गई। अब आए एक लड़के साहब इंटरव्यू लेने, क्यों ब्याह करेंगे, कोई लड़की लड़के का इंटरव्यू नहीं लेती, लड़का लड़की का लेता है इंटरव्यू, शकल ठीक है चलेगा, अकल क्वालिफिकेशन क्या है, एमए है, अच्छा अच्छा गाना वाना आता है कि, कढ़ाई सिलाई बुनाई खाना बनाना, हाँ हाँ अच्छा ठीक है पास कर दिया। अगर थोड़ी भी गड़बड़ी देखा नहीं रिजेक्टेड, दूसरी लड़की तीसरी लड़की चौथी लड़की, कितना अपमान होता है लड़कियों का हमारे देश में, यानी सारी मेहनत माँ बाप करता है, पसंद भी कर ले लड़का तो खाली पसंद कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, तो उस लड़के के समान तो भगवान है और महापुरुष है उस बाप के समान जो उसको सफाई करके गंदगी जैसे अनेक प्रकार की उसमें जो अनंत पापों के भंडार भरा है अंतःकरण में वो सब समाप्त करवा करके अंतःकरण निर्मल कर दे साधना के द्वारा। तो भगवान कहते हैं तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, तेषां अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् तस्याहं सुलभ पार्थ, मैं उसके लिए बड़ा आसान हूं जो इस प्रकार कर ले, और कैसे कर ले ये मैं नहीं जानता, जाओ अपने गुरु के पास कराओ, मैं स्वयं ये काम नहीं करता गंदगी का, गंदगी साफ हो जाएगी तब मैं आऊंगा, ये भंगी वाला काम महापुरुष करें। इसीलिए शास्त्रों ने भगवान से बड़ा स्थान माना है गुरु का भक्त का, क्योंकि उसी से हमारी स्वार्थ सिद्धि होती है, भगवान से तो होती नहीं, वो गुरु ही तो हमारे लिए सब कुछ करेगा। हम गुरु के पास जाते हैं खोपड़ी लगाते हैं, ये लंबा है चौड़ा है गोरा है काला है सुंदर है कुरूप है, क्या योग्यता क्या है इसकी देखें जरा, आप बड़ी इंक्वायरी करने आप जा रहे हैं, आपको अकल कितनी है, हम पीएचडी है डीलिट है, वाह ये डिग्री उधर काम देगी है? बड़े भोले हैं हम लोग, अनंत महापुरुष मिले सब जगह यही किया हमने और रिजेक्टेड हो गए सब महापुरुष, जमा नहीं किसी संत है? वो कुछ भी करे महापुरुष हम उसमें मीन मेख निकालेंगे, ये दाढ़ी रखे है क्यों रखे है, ये दिखा रहा है कि मैं महात्मा हूं, ये दाढ़ी क्यों बना लेता है,
लो ये कपड़ा रंगा हुआ क्यों पहनता है, ये हम लोगों के बीच में क्यों आता है, जंगल में जाके अपनी भक्ति करे। अच्छा जंगल में चला गया, ये जंगल में क्या कर रहा है, हम लोगों का कल्याण करे आकर के। अरे बेचारा वो क्या करे बताओ, तो एक बात तय कर लो तुम लोग, वही करे वो ना। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, तुंडे तुंडे सरस्वती, सबकी रुचि अलग अलग है। देखो एक साड़ी की दुकान पर जाए एक दस स्त्रियां, फिर देखो उनका नाटक, ये रंग ये तो ओल्ड है, ये ओल्ड है, ऐसे मुंह बना बना के हर साड़ी फेंकती जाएंगी वो। एक राय नहीं होगी, सबकी अलग अलग राय होगी, कभी भी एक मत हो ही नहीं सकता। अरे स्त्री पति में जब नहीं होता तो सारे संसार में कैसे होगा, सब अलग अलग विचार के, यही तो खटपट है जगत में। तो ये तीन गुण हमारे अंदर हैं, यही बंधन है। और भगवान में दिव्य गुण है, महापुरुष में दिव्य गुण है, हैं दोनों में गुण, एक में निर्गुण गुण और एक में माइक गुण, यूं कह लो, या एक में दिव्य गुण एक में प्राकृत गुण। तो अस्तु भगवान गुण से परे है, उनको छू नहीं सकता गुण, लेकिन वो गुणों का काम सब करते हैं। ध्यान दो, सात्विक कर्म भी करते हैं भगवान, राजस कर्म भी करते हैं और तामस कर्म भी करते हैं। अरे इतना बड़ा तामस कर्म, बाप भाव तान करके भीष्म पितामह को मारने के लिए रथ का पहिया उठाया, उस समय की झांकी आप लोगों ने सोचा ना होगा कभी, सीना तना हुआ, दांत से दांत दबा के और भाव तनी हुई और पहिया हाथ में लेकर क्रोध में दौड़े मारने के लिए भीष्म पितामह, और भीष्म पितामह मुस्कुरा रहे हैं, वाह 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 बलिहार, आनंदमय ब्रह्म को क्रोध आ रहा है, वाह मायाधीश को माया का विकार पैदा हो रहा है। विकार नहीं है वो, ये अलौकिक है। ध्यान दो, दो माया होती है, एक प्राकृत माया एक दिव्य माया। तो दिव्य माया में दिव्य काम, दिव्य क्रोध, दिव्य लोभ, दिव्य मोह, दिव्य ईर्ष्या, दिव्य पाखंड होता है। और हम लोग जो माया लगी है वो प्राकृत काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है। इतना बड़ा अंतर है, वहां दिव्य दिव्य है। अरे अनंत ब्रह्मांड को भस्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। भगवान शंकर को देख लो, त्रिनेत्र खोला, कामदेव को भस्म कर दिया, त्रिनेत्र खोला, संसार को भस्म कर दिया, इतना गुस्सा। अब हम लोगों के त्रिनेत्र नहीं है तो खाली गाली गलौज करते हैं, थप्पड़ मुक्का, कोई हथियार है तो उसका प्रयोग कर देते हैं, और उनके बड़ी पावर है तो पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर देते हैं। गुस्सा पराकाष्ठा का, हर चीज पराकाष्ठा की है उनके पास, अनंत अनंत मात्रा की, हमारे पास थोड़ी थोड़ी मात्रा की है। सब चीजें कामना क्रोध लोभ मोह सब थोड़ी थोड़ी है हमारे अंदर। हम लोग लोभ करते हैं, 1 लाख है तो 2 लाख का लोभ करेंगे, 2 अरब का नहीं करेंगे, 2 लाख का, अपने से थोड़ा सा आगे। हाँ, एक पुलिस का कांस्टेबल है, वो DIG बनने की नहीं सोचता, हवलदार बन जाए। हाँ, अपने से आगे वाले क्लास की हम कामना करते हैं, बहुत आगे वाले की नहीं करते, नहीं तो लोग से एक चिल्ली कहेंगे। हाँ, एक आदमी भिखारी था, सत्तू मांग करके लाया भिक्षा में, और मिट्टी के हांडी में सत्तू रख के और दीवाल में खूटी लकड़ी की होती है उसमें उसने टांग दिया कि दोपहर को खाएंगे, और टूटी हुई खाट उसी के नीचे बिछी थी, उसी में लेटा हुआ था। सोचा
अगर मैं सत्तू न खाऊं और बेच दूं तो चार पैसा मिलेगा सस्ते के जमाने में, और फिर चार पैसे का मैं अगर पान वगैरह की दुकान खोल लूं तो चार आने हो जाएगा, फिर चार आने का और कुछ दही बड़ा वगैरह की दुकान खोल लूं तो चार रुपया हो जाएगा, फिर उससे बकरी खरीद लूं तो बकरी के कई बच्चे होंगे तो फिर हमारे गाय आ जाएगी, फिर गाय के बच्चे होंगे, फिर भैंस वगैरह आ जाएगी, फिर डेयरी खोल लेंगे, फिर उसके आगे और हम बढ़ जाएंगे, फिर धीरे 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 हम राजा हो जाएंगे, यहां तक चला गया, और फिर हमारा ब्याह हो जाएगा, फिर हमारी बीबी बड़ी सुंदर सी आएगी कोई, हाँ, और फिर वो रानी कहलाएगी, हाँ, और फिर हमारे तमाम नौकर चाकर सब होंगे, हाँ, और फिर हमारा लड़का होगा, हाँ, फिर लड़का घुड़साल की ओर जाएगा खेलता खेलता, हाँ, तो फिर मैं कहूंगा बीबी से, ए वो लड़का घुड़साल में जा रहा है पकड़ के लाओ, तो बीबी कहेगी है मैं नौकरानी नहीं हूं रानी हूं, नौकर से कहो ले आवे, अरे मैं तो कह रहा हूं वो करो, मैं तुम्हारा पति हूं, आप पति हैं तो क्या हुआ, नौकर का काम है मेरा नहीं है, अरे तुम सुनती नहीं हमारी, अरे मैं कैसे सुनूं, एक लात मारा बीबी को, यूं करके लात ऊपर मारा सत्तू गिर गया। वो हांडी मुंह पे गिरी फूट गई, हल्का फुल्का ऑपरेशन हो गया, तो उसको तो शेख चिल्ली कहते हैं। तो हम लोग थोड़ी सी कामना बनाते हैं, थोड़ा सा लोभ करते हैं, थोड़ी सी पावर है, और भगवान तो अनंत शक्तिमान है, अस्तु भगवान गुण से भी परे है, और गो पार है, गो माने जो कुछ हमारे पास साधन है इंद्रिय मन बुद्धि, इतने का नाम है गो। ये आंख से भगवान दिखाई नहीं पड़ेगा, कान से उसकी मुरली या उसके शब्द हम सुन नहीं सकते, रसना से उसकी दिव्य शरीर की गंध हम ले नहीं सकते, सामने खड़ा रहे वो हमको नहीं मिलेगा, मन से सोच नहीं सकते, बुद्धि से जान नहीं सकते, ये इतना सारे का नाम है गो, इससे परे, क्योंकि ये जितने हैं इंद्रिय मन बुद्धि माया से बने हैं, जब माया से परे है तो फिर माया के गुणों से भी परे है, तो माया के मैटर से भी परे है, इसलिए माया गुण वो पार है, ये भावार्थ है। राधे